हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो होगी सुपर वेटेड, बोल सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा वेट किया आप लोगों ने, तो मुझे 100+ कमेंट थे लास्ट वीडियोस में इंस्टाग्राम पे भी कि अपना सूट कलेक्शन दिखाइए। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, एंड यस, हैप्पी थर्ड नवरात्रि। मैंने आज का व्लॉग नहीं किया है गाइज, तो इसलिए मैं आज ही बना रही हूँ सूट कलेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं मेरे सूट के। तो जितना मैं आपको भी सूट दिखाऊंगी ये सारे मेरे लोकल मार्केट के हैं। ऑनलाइन का व्लॉग मैं डिफरेंट बनाऊंगी, उसमें मैं आपको ऑनलाइन पेज बता सकूंगी जो मुझे याद है, तो मैं पेज के लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। बट ये होगी लोकल मार्केट से, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो मैं आपको आज ये सारा कलेक्शन अपना दिखाऊंगी जितने मेरे पास सूट है। मैंने कुछ कम भी लिए है, काफी सारे बाकी है। तो अगर वीडियो बड़ी हो गई तो आपको दो पार्ट में देखने को मिलेगी, पार्ट वन एंड पार्ट टू, वरना देखते हैं कि अगर कवर हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सूट जो मैं दिखाऊंगी वो है मेरा रिसेंटली फेवरेट, जिसे बोल सकते हैं, ये जो मेरे हस्बैंड ने मुझे बर्थडे पे दिलाया था, मेरे नियोन वाला। आपने देखा था रिसेंटली मैं एक शादी फंक्शन में गई थी, वहां मैं वेयर करके गई थी। तो ये है नियोन कलर और इसके नीचे साथ है दुपट्टा। इसका ना कपड़ा बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा, तो मैंने पैंट स्टिच नहीं कराई थी, इसलिए मैंने इसमें सलवार स्टिच कराई। तो ये है इसकी सलवार एंड ये है इसका सूट। इसका सूट इतना प्यारा लगता है ना मुझे, बस मैं डेली वेयर कर लूँ इसको, इतना प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये है हमारा फर्स्ट सूट। आप बताना कि आपको सबसे अच्छा कौन सा सूट लगा सब कलेक्शन में से। लेट्स स्टार्ट। अब मैं बताऊंगी सेकेंड सूट जो था वो है ग्रीन कलर में। ये सब मैं अपनी शादी में लेके आई थी सारे सूट। तो यहाँ है, ये है शरारा, इसके नीचे आप देख सकते हैं ये फुल हैवी है और जो शरारा है ना ऐसे लगता है स्कर्ट है। वेयर करने के बाद इतना सारा फ्लेयर है इसमें कि लगता है स्कर्ट है। और शरारा पे वर्क भी है, ऐसे फुल सीक्वेंस का वर्क हो रखा है, नीचे बॉर्डर भी है, तो बहुत ज्यादा ही क्यूट लगता है ये। इसके साथ है ये सूट, ये वाला ग्रीन सूट है शरारा के साथ, मतलब बहुत हैवी पीस है। मैंने मेहंदी में जो रात को फंक्शन हुआ था हमारे में होता है बनवारा, तो मैंने मेहंदी की, क्योंकि मेहंदी लगी हुई थी हाथों पे, तो मैंने उस टाइम ये वाला सूट पहना था रात को मेहंदी वाले दिन। और ये है इसका सीक्वेंस का, फुल सीक्वेंस में दुपट्टा है, तो ये ओवरऑल बहुत ही हैवी सूट है। अभी समर में तो पता नहीं, बट यदि मैं शादी होके आई थी ना विंटर में, जब मैं डेली ये वाले सूट पहनती थी, एक दो महीने लगातार मैंने इतने ही हैवी पहने थे, है ना? हाँ, अपने जितने हैवी, अपने जितने हैवी। सो अब ये है थर्ड सूट। ये जो सूट था ये भी मेरे हस्बैंड ने दिया है मुझे बर्थडे पे, मैंने वेयर भी नहीं किया एक बार भी अभी। मैं सोच रही नवरात्रों में ही मैं वेयर करूंगी, दैट्स व्हाई मैंने रखा हुआ था अभी तक। तो ये वाला है, स्टिच हो गया, ये किसने करा? मम्मी। सही है, मम्मी स्टिच करती है मेरे, क्योंकि मुझे बाहर पसंद नहीं आते। तो ये वाला सूट है, इसमें फुल पे ऐसे ये स्टोन एंड सीक्वेंस एंड थ्रेड वर्क है, गोल्डन थ्रेड, पिंक थ्रेड विद सीक्वेंस, एंड ये लेस भी लगी हुई है साइडों में। ये फ्रंट पार्ट है इसका, मैं दिखा देती हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लो, ये ऐसे है, यहाँ आगे पे सिर्फ ये पोर्शन आएगा और फिर बाद में ये आएगा। आप आगे वाली वीडियो में चेक कर लेना, मैं नवरात्रों में वेयर करूंगी इसको, तो वापस रख देते हैं। दुपट्टा है इसका बनारसी दुपट्टा, ये भी बहुत हल्का है, मतलब समर के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट है बिल्कुल। एंड ये नीचे मैंने कराई है सलवार स्टिच, मुझे सलवार बहुत कंफर्टेबल लगती है अकॉर्डिंग टू पैंट, मैं सलवार वेयर करना ज्यादा पसंद करती हूँ। ओके, टाइम फॉर नेक्स्ट। ये आप लोग देख चुके होंगे मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में, तो ये है वाइट सूट, व्हाइट है व्हाइट हमारे गांव में व्हाइट कलर के आम आने वाले हैं। तो ये है येलो सूट, इस पे जो मेन इसका कपड़ा जो है ना वो ऑर्गेन्जा है, ऑर्गेन्जा। और जो इसका मेन है ना फ्रंट, वो है फ्रंट, देखो कितना प्यारा काम है। ये जो ऐसे ये पर्ल होते हैं ना, पर्ल का है व्हाइट और व्हाइट, और इसमें ना फ्लावर बने हुए हैं। ये तब मैं शॉप पे गई थी एंड मैंने देखा, तो आई वाज लाइक यही चाहिए, बस यही लूंगी मैं। और चांदनी चौक से लिया था मैंने ये वाला, और बहुत ही सुंदर, नीचे भी व्हाइट लेस लगी हुई है इसमें, एंड इसके दुपट्टे में भी लेस लगी हुई है। एंड ये है इसकी पैंट, तो पैंट पे मैंने नीचे ये अलग सा डिजाइन करवाया हुआ है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप करा सकते हैं। तो ये है पैंट पे अलग सा डिजाइन जो मैंने कराया हुआ है नीचे, मम्मी ने ही किया था ये वाला सूट भी,
मैं सोच रही हूँ मैं सब कुछ गिरा रही हूँ, लेकिन अब मैं तब इसको करूंगी ना सारा, तो मुझे कम से कम 1 से 2 घंटे लग जाएंगे दोबारा सारा करने में, हर चीज वापस रखने में। सो नेक्स्ट इज रेड, ये है रेड कलर का सूट। ओके, तो मैंने आपको जो लास्ट वीडियो थी आई थिंक डे 2nd में हम यहाँ के फंक्शन में गए थे, ओ भाई फंक्शन में गए थे तो वहां पे ना मैंने दिखा था कि 2 रेड ऑप्शन है, एक तो मैं पहन गई थी नेक का दुपट्टे का, देन ये हो चुका था 2nd, मैंने वीडियोस भी डाली है इस पे। तो ये था फुल हैवी, देख लो ये, तब मैं अपने सबसे महंगा बोल सकते हो आप ये वाला सूट मेरे कलेक्शन में अभी तक का। इसमें पूरे में वर्क है, पूरे में भाई बहुत ही बढ़िया है, एकदम न्यूली मैरिड वाली वाइफ की तरह मैंने इसे पहना था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टा भी बहुत ज्यादा फैंसी है, दुपट्टे भी ऐसे लटकन लटकन भी है। एंड यहाँ पे है इसकी सलवार, पैंट है, आई डोंट नो कि ये इसकी है या उस वाले सूट की है, और मैंने यहाँ पे लेसेस लगवाए हैं, ये है लेस, ये है सलवार, ये है फैंसी है, ये अभी दिख नहीं रही होगी, पहनने के बाद ना बहुत चुन्नट लग जाती है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है इसकी पैंट थी उसकी सलवार थी, ऐसे ही कुछ था ये। तो मैं रेड वाला लेने गई थी ना, ये भी मैं साथ ही लेके आई थी। मतलब मैं हुस्न में कितने प्यारे कपड़े लाई हूँ, आप ना मेरे कलर चेक करना, शादी में मैं लाई थी, मैंने बिल्कुल भी कलर सेम नहीं किया। मुझे ऐसा था जब मैं जाती शॉप पे तो हमेशा वाज लाइक नेक्स्ट कलर, कलर दिखाओ, नहीं ये मेरे पास हो गया मैं ये नहीं लूंगी। तो ये कलर ना क्या बोल सकते हैं इसको, इसको कलर लेमन होता है, लेमन, लेमन से थोड़ा लेमन के ऊपर कलर होता है ना, से ग्रीन और येलो मिक्स जो हो रहा है ये वो है, ये बहुत ही अलग कलर है, इसको बताना आई थिंक डिस्क्राइब करना हमारे लिए मुश्किल हो गया है, बट ये बहुत यूनिक है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम ये वाली फिल्म देखेंगे, सो भूत वाली, उसके बाद उसके बाद ये है इसकी पैंट पैंट है, और पैंट का है ये वाला डिजाइन, वेरी क्यूट, बहुत सुंदर बनाई है मेरी मम्मी ने। और ये है इसका दुपट्टा, बनारसी, फुल बनारसी, और मुझे था ना विंटर तब मैं आई थी शादी होके, तब तो मुझे इतने अच्छे लगते थे ना, बट अब समर में आई वाज लाइक कि बहुत लाइट वेट मुझे चाहिए, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छे हैं, और बहुत नेक्स्ट समर में मैं ये वेयर करूंगी विंटर में, और पार्टी वेयर है अप्रोप्रिएट, आप कहीं भी जा सकते हो इसको वेयर करके बिल्कुल। सो नेक्स्ट इज वेरी लाइट सूट, जो आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक किसी ब्लॉग में तो आप कलर चेक कर सकते हो, ये है पिंक कलर का, शायद देख लिया क्या मैंने डाला है क्या अभी ब्लॉग में, मुझे याद नहीं है, मुझे भी नहीं मालूम। तो ये है, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत नहीं, मैंने पहन लिया है शायद, ये पिंक है, बिल्कुल पिंक सटल जो होता है, एंड इसके साथ है स्काई ब्लू दुपट्टा, और स्काई ब्लू के साथ ही ये कॉन्ट्रास्ट में, इसमें फ्लावर फ्लावर सीक्वेंस विद फ्लावर फ्लावर लेस ये वाला है, और इसके कलर इतना प्यारे है ना, मुझे बहुत अच्छे लगते है इसके कलर। देन ये है इसकी पैंट, इसमें बेल्ट लगती है लेदर वाली, तो बेल्ट, ये पैंट है जो मैंने इसमें पैंट सिलवाई थी। देन ये है मेरा नेक्स्ट सूट, है फर्स्ट सूट जो मैं अपनी शादी के नाम का लाई थी, तब मतलब मेरी शादी फिक्स हो गई थी, तो मैं मम्मी मार्केट गए थे, मैं मिलने वाला था इसे उस टाइम, हाँ तो उस टाइम मैं ये वाला सूट पहला परचेज कर लाई थी शादी के नाम का, कि शादी में वेयर करेंगी करूंगी मैं, मतलब शादी के बाद ऐसा कुछ। तो ये भी बहुत ही प्यारा सूट है, ये है डार्क येलो, और इसके ऊपर ना ये वर्क है थ्रेड का रेड एंड येलो। मुझे ना मुझे बेसिकली मुझे सबसे अच्छे सूट पता है कौन से, जिसमें यहाँ पे वर्क होते हैं, मैंने वेयर किया हुआ, इसके भी यहाँ पे वर्क है, इसके भी यहाँ पे वर्क है, आप देखना मेरे 90 सूटों में ना यहाँ पे वर्क होगा, जो यहाँ से खाली होते हैं ना मुझे अच्छे नहीं लगता है, मुझे कि बहुत हैवी चमके सामने से। और ये है इसका शरारा, अरे बुला रही तुझे वो, फुल हैवी बुला रही फुल हैवी शरारा है इसका, शरारा शरारा बिल्कुल। और इसका दुपट्टा तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि सूट हैवी होता है तो दुपट्टा ऑलवेज सिंपल ही होता है, तो ये है इसका बिल्कुल प्लेन, हल्की सी लेस लगी हुई है, ये है इसका दुपट्टा। ओके, सो नेक्स्ट जो मैंने वेयर किया हुआ है, ऐसे कर ले इसको, ये जो मैंने लटक गई सारी पोछा मारे क्या घर में, ये जो मैंने वेयर किया हुआ है ये वाला सूट, ये तो अच्छा लग ही रहा होगा, आई थिंक मेहरून इज माई फेवरेट, तो दिस इज 2nd मेहरून,
ये सूट मैंने अपने फर्स्ट करवा चौथ पहना था, तब मैंने कौन था तेरा फर्स्ट करवा शादी से पहले अच्छा। शादी फिक्स हो गई थी, एंगेजमेंट भी हो गई थी, सो ये मैंने अपने करवा चौथ पे वेयर किया था सूट। आप भूल कर सकते हो? हाँ याद है। तो ये वो वाला सूट है मेहरून, इसकी स्लीव्स जो है वो है बैलून स्लीव्स, वेयर करने के बाद बहुत अच्छी लगती है ये, ऐसे फुली फुली सी। इसकी स्लीव्स पे बहुत अच्छा काम है, मेन स्लीव से मुझे पसंद आया था ये, बहुत अच्छा लग रहा है, तो स्टिच हुआ था। एंड यहाँ पे ना इसमें ना इस वाले सूट में थोड़ा सा करवाया, यहाँ पे वो आई थी पट्टी ऐसी बड़ी सी आती है थोड़ी सी, ये ऐसा आया था इसमें भी, बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, तो अलग से दिमाग चलाया मैंने कि ऐसा क्या करा जाए, इस पट्टी को कहाँ लगाया जाए। मैंने काफी सोच विचार, मैंने सोचा क्योंकि मैंने इसको सलवार के पाउचे में लगा दिया जाए तो फिर मैंने उसको सलवार के पाउचे पे, ये वाली पट्टी सूट पे होनी चाहिए थी, बट इसको मैंने सलवार के पाउचे पे लगवा दिया, और अब देखो कितने सुंदर लग रहे हैं पाउचा है ना पाउचे। ऐसे अब इसके बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ एकदम बस ऐसे बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। उसका दुपट्टा भी बहुत हैवी है, बहुत अच्छा है इसका दुपट्टा। ओके तो मैं दुपट्टा चेंज कर लेती हूँ, ये वाला ना मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं ये वाला मेहरून ले लेती हूँ दुपट्टा, ये परेशान नहीं करेगा। नेक्स्ट सूट एक और लेमन, ये तो लेमन ही शेड है बिल्कुल, नींबू है हाँ। ये है इसका शरारा, इसमें गोटा पट्टी का वर्क है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई थ्रेड नहीं है, ये है फुल गोटा पट्टी का, और ये बहुत ही सिल्वर वर्क और गोल्डन मिक्स कलर है इसमें। एंड ये है इसका सूट, सूट पे ना स्टोन लगे हुए पूरे नेक के पास, यहाँ पे स्टोन है गोल्डन एंड सिल्वर, पाइप का वर्क है एंड स्टोन है, एंड देन साइड में ये लेसेस है, पीछे तक ये पूरा ऐसे लेस लगी हुई है, और यहाँ पे मैं खोल कर ही हूँ खुश होके, मुझे जब करना पड़ेगा ना सारा तब पता चलेगा मुझे, बट कोई नहीं। ये है सारी सारा सूट, देन इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा है, पूरे में वर्क है दुपट्टे पे, चारों तरफ आप लेस देख सकते हो, एंड गोटा पट्टी से काफी हैवी दुपट्टा है, लुक में बहुत हैवी होता है। कौन सा बढ़िया लगा आपको यार? मुझे वो जो यहाँ पे आ गया ना जिनकी तय हुई है वो अच्छे लगे सारे। ठीक है तो ये हो गया है। नेक्स्ट ये वाला है रेड वाला, ये भी दिखाती हूँ पिंक, ये आप लोगों ने देख लिया था, ये जिसमें बहुत हैवी वर्क है नेक पे, देखो इस पे भी ऐसा ही वर्क है, तो मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, मैं ऐसे ही पहनती हूँ। देन ये इसका था दुपट्टा जो बहुत ही मस्त और बहुत ही हैवी है, मैंने शादी के नेक्स्ट डे पहना था यही वाला, तब मेरा फर्स्ट डे था ना आफ्टर शादी फर्स्ट डे, तो मैंने यही वाला पहना हुआ है, मैंने पोस्ट भी डाली हुई इंस्टाग्राम पे इसमें, तो बहुत कॉम्प्लीमेंट मुझे मिले थे उस सूट पे। देन दिस इज नेक्स्ट, ये है पीच, पिंक से भी बहुत लाइट कलर है ये, पीच है ये, तो ये ऐसा है फुल हैवी वर्क गले पे, और नीचे तक कढ़ाई हो रखी है इसमें हाँ, तो ये भी बहुत अच्छा है, समर के लिए बेस्ट है। ये है इसकी सलवार, और सलवार पे है ये डिफरेंट है, मैं वेयर करूँ तो देखना, ये मेरी बहन ने शायद पता नहीं कौन सी बोल रही थी वो क्या सलवार रही है, इसका ना यहाँ से अलग से कुछ बनाया हुआ है उसने यहाँ पे, एंड ये लेसेस लगाई हुई है, लेसेस तो सब में ही आपको मिल जाएगी सुंदर लगने के लिए, यहाँ पे भी देखो कुछ लाइंस लगाई हुई थी उसने, उसको कुछ बोलते हैं इस सलवार को बट मुझे नहीं पता है क्या बोलते हैं। और ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टा भी सही है, मतलब ठीक ठीक लग रहा हैवी लग रहा है, प्लेन नहीं है। तो ये था मेरा एक और सूट, देन अब आती है बारी पिंक वाले की, यार ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बांधनी प्रिंट होता है ना ये उसमें है, तब मैं गई ना मार्केट में, तो ऐसा था कि उस टाइम चले बांधनी प्रिंट बहुत ज्यादा चले, और मुझे एक येलो में रेड और पिंक बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन शादी में इतनी शॉपिंग मेरी हो चुकी थी कि मैं सोच रही थी इतने सूट नहीं जाने चाहिए, क्योंकि आफ्टर शादी कभी कभी कोई हेल्दी हो जाता है, फिर सारे सूट वेस्ट चले जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ना करते करते पिंक ले ही लिया, ना करते करते ही मैंने एक पिंक सूट ले ही लिया। ये था वो डार्क पिंक विद येलो एंड लाइट पिंक कंट्रास्ट, इसमें पूरा वर्क है नीचे तक, ओके तो इसमें पूरा वर्क है नीचे तक,
देन ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टा भी बहुत हैवी है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लाइट वेट है और बहुत अच्छा कपड़ा है इसका। और इसे लटकन भी लगी हुई है और लेस भी है पिंक कलर की, लाइट पिंक एंड डार्क पिंक का कंट्रास्ट बड़ा अच्छा लग रहा है। इसकी है डार्क कलर की सलवार। अब ये बोलोगे सलवार सलवार, बट यस मुझे सलवार बहुत कंफर्टेबल लगती है अकॉर्डिंग टू सूट, सॉरी अकॉर्डिंग टू पैंट, प्लाजो, प्लाजो जम्पर। अब ये दिखाती हूँ मैं, एक ये है बहुत ही प्यारा एकदम प्रिटी प्रिटी। तब मेरे 10 के हुए थे इंस्टाग्राम पे, मैंने तभी इसको वेयर किया था, उसके बाद ये रखा ही हुआ है, मैंने कहीं भी इसको नहीं पहना है अभी तक। पहनूंगी अभी, कहीं जाऊंगी ना तो पहनूंगी, ठीक है। तो ये देख लो इसका वर्क जो है, ये ओरिजिनल स्टोन है और ये मतलब ना ऐसे उठाते हो तो इतना हैवी है ना ये सूट, बहुत ही पूरे सूट में है, पूरे सूट में है, पूरे में। ये ट्रैकलीन हो गया था इसलिए ऐसे ही रखा है, मैंने वेयर नहीं किया उसके बाद। ये है इसका दुपट्टा एंड इसके नीचे है पैंट। तो फेवरेट सूट में से ये भी मेरा आता है। आप सबसे अच्छा कौन सा लगा आपको? ये वाले सच में यार, यस मेरे दो फेवरेट है, एक तो ये फेवरेट है और एक ये फेवरेट है। ओके सो टाइम फॉर नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ पर्पल, कोई सा भी दिखा दे। ओके तो ये डार्क पर्पल, ये देखा था तो मेरा भाई आया था होली मुझे लेने के लिए, तब मैं घर होली वाले दिन तेरा भाई आया उसी, हाँ हाँ हाँ। और तो मैंने ये पहन, ये वेयर किया था उस टाइम। ये भी गोटा पट्टी वर्क है, पर्पल एंड पिंक के कंट्रास्ट में है और फुल हैवी है ये भी। ये फुल आप देखो, मैं रेट बताऊंगी नहीं, ऐसा होता है मैं, मुझे पता है रेट वैसे, बट ऐसा होता है कि शो ऑफ कर रहे हैं ये सब है। नेट पर अगर आपको किसी का पूछना हो तो मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगी रेट। वैसे मुझे, मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगी रेट वेट कुछ भी। और ये है इसका दुपट्टा, इस पे ऐसे ये लगी हुई है लटकन। और यहाँ पे ये ऐसे क्रॉस में वर्क हो रखा है और फुल में फुल इसमें क्या है लेसेस लगी हुई है। ओके मेरा क्वेश्चन आंसर टेस्ट है क्या ये? फुल में क्या है? तो ये आपने देख लिया, ठीक है। एंड नीचे है ये है, पता नहीं, बताओ, एनी गेस ये है प्लाजो। जिसने देखी है मेरी वीडियो तो बता सकते हैं, प्लाजो पैंट। नो शरारा है क्या? क्या है यार? आप तो साथ थे ना, फिर भी आपको नहीं तो पता। टेलर हूँ मैं, साथ था तो आप देखेंगे मैं क्या पहनी थी घर पे, शरारा की पैंट। ये बताइए क्या है? तो ये है शरारा नीचे तक, ये भी स्कर्ट वाला है, फुल हैवी एंड फुल फ्लेयर में। मुझे पता है क्या था कि मुझे स्टिच्ड बहुत लेने थे, स्टिच का मेरा था, मैं स्टिच लो क्योंकि इनकी लुक कभी खत्म नहीं होती, ये हमेशा के लिए होते, सदाबहार सूट बोलते हैं इनको कि कभी पुराने नहीं होते, फैशन जाए ना जाए ऑलवेज लाइक ये चलेंगे मार्केट में। और ये मैरिड अनमैरिड सबके लिए अप्रोप्रिएट है, तो बढ़िया लगते हैं, है ना? वेरी क्यूट। तो पर्पल के बाद है ये वाला कलर, ये है बनारसी लुक में, इसको आप ऑरेंज बोल सकते हो, डार्क ऑरेंज कलर है ये, यार पता नहीं क्या मतलब, समझ नहीं आता मुझे तो आधी बारी क्या है, बट ये फुल बनारसी लुक में है, ठीक है। बहुत ही सुंदर इसका कपड़ा है, बहुत अच्छा कपड़ा है और बहुत ही अच्छा इसका कलर है। एंड दुपट्टे में जान डाल दी है, दुपट्टा तो इसका इतना प्यारा है ना, देखो ऐसे पिंक शेड एंड पर्पल शेड, पिंक रेड एंड पर्पल, ऐसे बहुत प्यारा है इसका दुपट्टा, फुल बनारसी है, नीचे ये फरफर भी लगे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा सूट है। मुझे ना सारे अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर मैं बताऊँ ना बेस्ट, आप बताओ कि लास्ट में एक सूट बेस्ट। हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा। ओके तो ये था, तब ये मैंने पहना है अब तक एक बार, बताऊ कब, तब था न्यू ईयर, तो मैंने रात को बम छुड़ाए थे इसको पहन के। अब घर में ना कोई होता नहीं है, फिर तैयार होके किसको घूमू, बम छुड़ाने वाले नहीं, ऐसे जैसे मैं जनरली पहन लू, अभी पहन लू मैं आज, बट कोई होता नहीं घर पे, मुझे रूम में बैठा रहता है, बट फुल टाइम लैपटॉप में काम और रील्स का, इंस्टा, यूट्यूब इंस्टा, तो फिर कहाँ जाऊँ पहन के, कहीं जाऊंगी तो ही तो पहनूंगी। तो ये है इसका सूट, तो जो शादी में लाई थी, कोई भी शादी में मैं प्लेन नहीं लाई थी, मैं शादी में जितने सूट लाए थे सब हैवी लाई थी, बहुत हैवी, अच्छी अच्छी रेंज के और अच्छे अच्छे कलर। देखना आपने अभी तक एक कलर जो मैंने दिखाया कुछ मिक्स नहीं हुआ होगा, कोई भी कलर दो बार रिपीट भी नहीं हुआ होगा, मतलब मैंने इतना सोच कलर लिया है, कलर रिपीट नहीं करना ऐसे। एंड ये थी इसकी सलवार, ये जिगजैग वाला वर्क हुआ है, मेरी बहन ने बनाया था, देख लो।
और ये लैस भी बहन ने लगाई थी। मेरी मम्मी और मेरी बहन कलाकार है बिल्कुल, सूट वूट सिलने में सब मेरी मम्मी बहन सिलते हैं मेरे। और ये है इसका बनारसी दुपट्टा, कहीं चलो ना मैं पहन लूँ यार फिर सूट। ठीक है चला ना, चलते चले पहन ले इसको यार, कहीं चलोगे तभी तो मैं पहनूंगी ना। हाँ तो पार्क में चलते घूमने, सूट पहन के ना। ठीक है अब है एक और मेहरून, ये मेहरून आपको दिखे होंगे दो से तीन, बट लुक सबका अलग है। ये है थर्ड मेहरून एंड ये और और ये है सबसे प्यारा। इसके इतने हैवी स्टोन है ना, इस पे बहुत हैवी एंड फुल में वर्क है, फुल में सीक्वेंस एंड थ्रेड है, पूरा भरा हुआ ये पूरा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि मेरा मेन फोकस था स्टिच्ड पे, तो ये एक और स्टिच मुझे मिला था चांदनी चौक में ही था ये भी, तो फुल स्टिच था ये और मैंने ये लिया था। शरारा है इसके नीचे भी और बहुत अच्छा सूट है, बिल्कुल हैवी है, पार्टी वेयर है। एंड ये है इसकी सीक्वेंस का दुपट्टा, क्यूट वेरी मच। ओके सो लास्ट हमारा रह गया है ये, मैं रिसेंटली अभी घर से लेके आई थी, मैंने एक बार भी नहीं पहना, पॉली बैग में ही पहन के दिखा देती हूँ, पहनो मैंने एक बार भी नहीं है। लास्ट नहीं है, सिर्फ ऑफलाइन के, सिर्फ वो है जो मैं शादी में लाई थी। ऑफलाइन नहीं है, नहीं ये ऑफलाइन के बाद जो मैं सिर्फ शादी में लाई थी। शादी में लाई? हाँ, शादी के 3 महीने हो चुके हैं और बीच में मैं जो भी लाई हूँ 3 महीने में उनसे मैं एक दिखा रही हूँ ये वाला घर से, और मैंने सब वहीं पे रखे हुए, मैंने दिखाए नहीं है वो क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाती है वीडियो डेट पर। तो ये वाला है जो मैं अभी रिसेंटली लेके आई थी अपने घर से, मम्मी ने मुझे स्टिच करके दिया था ये वाला। ये क्रीम कलर है, ठीक है, क्रीम कलर पे ये दुपट्टा है ऑर्गेन्जा। वाह वाह वाह, देखा दुपट्टे से लगा ना सूट है ना। yes, that's too तो देखो cute. ये देख लोगे आप किसी ब्लॉग में, जरूर जरूर देख ही लोगे। तो देखो इसमें मल्टी कलर की ऐसी ऐसी दुपट्टा है, इसमें ये वर्क है बिल्कुल एक चिकनकारी वाला जो वर्क होता है ना बिल्कुल हैंड से वो वाला है, विद कट है दुपट्टे पे, लास्ट में कट भी है दुपट्टे पे, लेस भी है। तो मम्मी ने मुझे अभी दिया है, मैंने ये फुल खोला भी आज है। पैंट है क्या? हाँ पैंट है इसकी, जो मैंने अभी देखी है। सो ये होते हैं मेरे कुछ 10-12 सूट, अगर मैं दिखाने जाऊँ तो पार्ट 2 बन सकता है इजिली ऑफलाइन का, बट अगर आप लोग चाहोगे और मुझे इतना प्यार देना कि मैं पार्ट 2 जरूर बनाऊं, ठीक है। बताना सबसे बढ़िया सूट जो लगा आपको, सबसे अच्छा जो लगा कि आप ये चाहते हो कि मैं उस दिन ये वाला पहनूं, ठीक है। और अगर आपको पसंद आई मेरी वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग गाइस। जल्दी से 50K करो यार, प्लीज जल्दी शेयर करो कि मुझे 50K अगर मेरे हो गए जिस दिन, ठीक है, तो मैं उसके बाद जितनी जल्दी हो सकेगा अपना मिनी स्टूडियो दिखाऊंगी। मिनी स्टूडियो मैं अपना रेडी कर रही हूँ, हो सकता है आपने हल्की फुल्का देख भी लिया हो वीडियो में, बट मैं ट्राई करती हूँ मैं ना दिखाऊं। तो मैं पहले बोलती हूँ वैसे बड़ा स्टूडियो में नहीं है, इतनी मेरी नहीं है जितना मेरा है, छोटा मोटा मैं मिनी स्टूडियो बनाऊंगी अपना। और अब जो जितने शूट होंगे वो इनमें नहीं, ऐसे नहीं, अब मेरे स्टूडियो में ही होंगे। सो प्लीज गाइस जल्दी करो 50K, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।